नमस्कार दोस्तों और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों काली खांसी एक भयंकर रोग है और यह कई नामों से जान जाती है। इसे कुकर खांसी भी कहते हैं। यह संक्रामक और भयंकर रोग है। इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी प्रभावित हो सकते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा के संक्रमण के जरिए फैलती है। काली खांसी होने पर शरीर में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे खांसी का तेज होना और उसका बढ़ना, हल्का बुखार आना, सुबह और रात में खांसी ज्यादा आना, खांसने पर हुप हुप वाली आवाज का आना, आंखें लाल हो जाती हैं और उल्टी आती है। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ घरेलू उपचार के द्वारा हम इस काली खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों उन घरेलू उपचार के बारे में। दोस्तों तुलसी और काली मिर्च का प्रयोग। आप बराबर मात्रा में काली मिर्च के दाने और तुलसी के पत्ते को लें, इन्हें पीसकर इसका पेस्ट बना लें और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। अब दिन में 3 बार इन गोलियों का सेवन करना है आपने। इस अचूक घरेलू उपाय से आपकी काली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नारियल का तेल प्रयोग करके भी आप काली खांसी छुटकारा पा सकते हैं। आप नारियल का तेल लें जो शुद्ध हो, उसकी 4 ग्राम की मात्रा में दिन में 4 बार इसको सेवन करना है आपने। ऐसा कुछ दिन तक हर रोज करें, इससे कुकर खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। मूली और गन्ने का घरेलू उपाय। दोस्तों काली खांसी पर प्रभावी रूप से काम करता है गन्ना और मूली का रस। काली खांसी दूर करने के लिए आपको 60 ग्राम गन्ना और 60 ग्राम कच्ची मूली का रस का सेवन करना है। आपको कुछ ही दिनों में इसके परिणाम दिख जाएंगे। बहुत ही छोटी मात्रा में यानी चने की दाल के आकार के रूप में आप फिटकरी लें। इसे दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें। काली खांसी पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई है। बादाम में भी बहुत ताकत होती है जो सीधे काली खांसी के प्रभाव को खत्म कर देता है। इसके लिए 5 बादाम रात के समय पानी में भिगो लें और सुबह के समय इन बादामों को छीलकर इसे मिश्री और लहसुन की कली के साथ पीस लें। अब आप इसका सेवन नियमित रूप से कुछ दिन तक करें, काली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों घर में लौंग तो रखते ही हैं। लौंग के जोड़े को भूनें, फिर इसका सेवन शहद के साथ दिन में 2 बार करें। इस अचूक हेल्थ टिप से आपको कुकर खांसी से जल्दी राहत मिल जाएगी। लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि का काम करता है। लहसुन के रस की 5 बूंदें और शहद की 5 बूंदें 1 गिलास पानी मिला लें और फिर इसका सेवन दिन में 3 बार कम से कम जरूर करें। ऐसा करने से आपको काली खांसी बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। आप चाहे तो लहसुन के तेल से शरीर की मालिश भी कर सकते हैं। दोस्तों काली खांसी यानी कि कुकर खांसी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में अमरूद को एक कारगर औषधि माना गया है। अमरूद को लेकर अपने राख के ढेर में इसको अच्छी तरह सेक लेना है और फिर इसका सेवन करना है आपने। इस उपाय को दिन में 2 बार करें। नियमित यदि आप इस अचूक उपाय से करते हैं तो काली खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे काली खांसी को जड़ से खत्म करने के उपाय। आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।